अयोध्या में इस वक्त है हमारे साथ जाने माने गायक सोनू निगम। सोनू जी स्वागत है आपका। आपके लिए ये मौका क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं आज जब एयरपोर्ट पहुंचा मुंबई में, जब मुझे तब एहसास हुआ कि मैं क्या देखने जा रहा हूं, मैं क्या दर्शन करने वाला हूं या किस बात का साक्षी हो रहा हूं मैं, एंड आई सडनली स्टार्ट क्राइंग। मुझे लगा कि सोचने के आंसू या असली के आंसू? हाँ, मतलब एक होता ना रुआसा हो जाता है इंसान कि कमाल है, हमको एक ऐसे युग में पैदा किए कि जो हम ये अभी तो मुझे इसका इतना ऑफकोर्स इतना नहीं था, मुझे था कि हम जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा, एहसास हुआ अंदर कि मैं कल सुबह एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण को देखने वाला हूँ, अरबों लोगों की कंट्री में मुझे सौभाग्य मिल रहा है, जो लोग नहीं भी जा रहे वो भी अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। जैसे मेरे घर में अभी कोई नहीं है, पर मेरे घर में पूरा मेरे बंगलों पे लाइट्स लगा रखे हैं, कल परसों से लगा रखी है हमने, तो इतना अच्छा उल्लास खुशी का माहौल है। मुझे लग रहा है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐतिहासिक क्षण को देख पा रहे हैं। आपके लिए देश के तौर पे क्या रिप्रेजेंट करता है ये मौका, ये लम्हा, यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्या रिप्रेजेंट करती है? कई चीज़ें, एक तो देश की एफ्लुएंस, पहली बात, एक तो उसकी एफ्लुएंस, दूसरा हम हमारे कोर फैब्रिक की खुशी मनाने की जो प्रवृत्ति है ना हमारी, हम जो खुश रहना चाहते हैं एज इंडियंस, हम लोग मरते मरते भी हम लोग ज़्यादा दुख में और नेगेटिविटी में नहीं रहते, हमारे त्यौहार खुशी के त्यौहार हैं, हम जो भी करते हैं वो एक समाज की फैब्रिक में खुशी बढ़ाने के लिए करते हैं। ये पूरी दुनिया में ये संदेश है इस जो ये महोत्सव जो चल रहा है इसका।